गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने 10th क्लास का जो अपना चल रहा है टॉपिक, अपन ने ग्रामर के टॉपिक कर लिए हैं, 5 टॉपिक कर लिए अपन ने। अब अपन ने स्टार्ट करी अपनी रीडर बुक। तो रीडर बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर था सूरदास, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा, उनके दोहे पढ़े जो उद्धव वाला गीत था। तो उसके बाद आज अपना सेकेंड चैप्टर है तुलसीदास, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ लेना। सेकेंड चैप्टर अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 था और मृत्यु संवत 1680। जीवन परिचय के बारे में अपन पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और ये एक सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम था तुलसी देवी। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे, यानी जो कठोर नक्षत्र माने जाते हैं उनमें पैदा हुए थे, और जन्म लेते ही इनकी अवस्था एक 5 वर्ष के बालक जैसी थी। इस कारण इनके माता पिता बहुत ही डर गए थे और किसी भय की आशंका से इनका उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि जब ये जन्मे थे तो इनके मुख में पूरे दांत माने जाते हैं। तो किसी भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और एक मुनिया नाम की दासी को सौंप दिया। इनका उसी ने इनका लालन पालन किया। इनका जो बचपन का समय था वो नर हरिदास के आश्रम में बीता था। इसके बाद जब इनका विवाह हुआ, इनका जो बाल्यकाल था वो बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था, और कष्टपूर्ण बीते कवितावली में ये इन्होंने लिखा है, मातु पिता जग जाग जग जाए तजो, विदहु ने लिखो कछु भाल्य बलाई, माता पिता ने जग माता पिता और संसार ने त्याग दिया, विधि होने लिखो कछु भाल भलाई, और विधि ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही विदुषी थी। माना जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत ही स्नेह करते थे, और एक दिन इसी कारण, अत्यधिक स्नेह के कारण, उनके कोई कटु वचन सुनकर इनका हृदय सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया और इन्होंने घर त्याग दिया। घूमते घूमते ही अयोध्या पहुंच गए और वहीं संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी में आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए, क्योंकि इनका जीवन बहुत ही कष्टमय था, अपनी पीड़ा की शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंग के ती, संवत 1680 में असी गंग के तीर, इसी गंगा के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने, ये राम के अनन्य भक्त थे, तो राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव इन्होंने अपनाया, और इसी दास्य भाव को अपनाते हुए इन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें निम्नलिखित है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें हमारे दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम जी के जो जीवन का, यानी राम का जो चरित्र इन्होंने उभारा है, वो एक आदर्श जीवन है, आदर्श चरित्र है, और उसी चरित्र को अपनाने का समाज को प्रेरणा दी गई है। ये अवधि और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जन रूप इन्होंने अपनाया है। तो अब अपना चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो हमारा पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। धनुर्यज्ञ पश्चात, यानी धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम, जब धनुर्यज्ञ हुआ था तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा के लिए, यानी जो ऋषि मुनि थे उनकी रक्षा के लिए वो इनको जंगल में लेकर गए थे। क्यों? क्योंकि जब ऋषि मुनि हवन वगैरह यज्ञ करते थे तो राक्षस उनके हवन को खंडित कर देते थे, इसलिए उनसे रक्षाओं के लिए राम लक्ष्मण को जब वो जंगल में लेकर जाते हैं तो उसी समय विश्वामित्र के पास जनक के द्वारा सीता स्वयंवर का न्योता आता है, और वो सीता स्वयंवर में लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग कर सीता का स्वयंवर था।
तो जब राम शिव धनुष को भंग करते हैं तो उस धनुष के भंग होते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, और वो क्रोधित होकर परशुराम शिव धनुष के भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से, क्योंकि लक्ष्मण भी क्रोधित माने जाते हैं अपने निज स्वभाव के कारण, और विश्वामित्र भी, परशुराम भी क्रोधित माने जाते हैं, तो इन दोनों के क्रोध की व्यंग्योक्तियों के युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का जब लक्ष्मण व्यंग्य से भरे वचनों से उत्तर देते हैं, तो जहाँ लक्ष्मण विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि राम का स्वभाव क्या माना गया है, निर्मल और नीतिज्ञ, विश्वामित्र संतुलन के बिंदु हैं। ये चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का अवलंबन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मण जो उनके वचन हैं उनका व्यंग्य से उत्तर देता है तो वो एक व्यंग्य रूप वचनों से उनका हास्य परिमार्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा क्रोध आता है, तो उन क्रोध का कारण न बताते हुए उसे एक बच्चे का रूप देते हैं, तो वहाँ ये संवाद हास्य का भी रूप धारण कर लेता है। तो अब अपन पढ़ते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अपना प्रथम टॉपिक है। अपन स्टार्ट करते हैं, ये लक्ष्मण का और परशुराम जी का संवाद है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ कहते हैं कि श्री राम ने जब परशुराम से कहते हैं, वो आते हैं तो वो कहते हैं, जब वो क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये धनुष किसने भंजन किया, भंजन मतलब इसको किसने तोड़ा, तो शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले, तो राम क्या कहते हैं कि इसको तोड़ने वाला तो कोई आपका ही एक सेवक होगा। हो है ही क्यों एक दास तुम्हारा, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ जिसने शंभु के धनु को यानी शिव के धनुष को तोड़ा, भंज निहारा यानी जिसने इसका भंजन किया है, जिसने इसको तोड़ा है, होगा क्यों केवल एक दास तुम्हारा, वो तो केवल एक तुम्हारा ही दास हो सकता है। आयुषु का है कहिए किन मोही, आयुषु यानी आज्ञा दीजिए, आयुषु मतलब आज्ञा, किन यानी क्यों नहीं है, आप मुझे क्यों नहीं आज्ञा देते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई को ही, सुनी रिसाई आप उसे क्यों नहीं कहते, ये सुन है ना। आयुषु का है कि कहिए किन मोही, आयुषु ने आज्ञा दीजिए, का है कहिए किन मोही, आप मेरे लिए क्या आज्ञा है ये मुझे दीजिए। सुनी रिसाई सुनकर रिस जाते हैं यानी क्रोधित होते हैं, बोले मुनि को ही और वो मुनि मुख से बोलते हैं यानी आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, यानी आप मेरी ये बात सुनकर, ये सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम नाराज़ हो जाते हैं और वो नाराज होकर बोलते हैं, यानी उनकी ये बात, राम जब ये कहते हैं कि आप मुझे क्यों नहीं आज्ञा देते हैं, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, तब सुनी रिसाई सुनकर रिस जाते हैं यानी क्रोधित हो जाते हैं, बोले मुनि को ही और क्रोधित होकर मुनि बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाय, वो कहते हैं सेवकु सो, सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाय, यानी जब राम ये कहते हैं कि वो तो केवल एक आप ही का सेवक हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो केवल सेवा करता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करियर लाई, अरि करनी यह कार्य कर यानी ये शत्रुता का, अरि मतलब शत्रुता, यह कर अरि कर यानी ये शत्रुता का कार्य कर करिए की न लड़ाई, ये शत्रुता का कार्य कर जो युद्ध करना चाहता है, यानी ये शत्रुता का कार्य कर उसने तो लड़ाई की है अर्थात युद्ध का कार्य किया है। सेवकु सो जो, सेवक वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करे, अरि करनी अरि यानी शत्रुता करके, शत्रुता करके करिए लड़ाई, शत्रुता का कार्य करके उसने तो यह लड़ाई की है अर्थात युद्ध किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम, हे राम सुनो, शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, स
सहस्रबाहु की तरह, सहस्रबाहु राम सो रिपु मोरा, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु शत्रु था ना, सहस्रबाहु हजारों भुजाओं वाला एक राक्षस था और उसका मतलब उसको किसने मारा, परशुराम जी ने, तो वो परशुराम जी का शत्रु था। तो इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सुनहु राम जी ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्रबाहु के समान मेरा, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, सम यानी समान, वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। आ गया समझ में? एक बार अपन यहाँ तक पढ़ लेते, फिर मैं आपको पूरा एक साथ समझा दूंगी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ यानी इसलिए वह यहाँ जो उपस्थित है, सो बिलगाऊ यहाँ जो उपस्थित है, बिहाई समाजा यानी इस राज समाज में, इस राजाओं के समाज में जो भी उपस्थित है, ने जो भी यहाँ राजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस राजाओं के समाज में जो उपस्थित है, नैते मारे जेहे ही सब राजा, यानी किसके लिए कह रहे हैं विश्वामित्र, वो कह रहे हैं कि यहाँ उपस्थित राजाओं के समूह में जो भी है वो अलग हो जाओ, बिलगाऊ यानी अलग हो जाओ, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस राज समाज में वो अलग हो जाए, नैते मारे जेहे ही सब राजा, नहीं तो ये सारे ही राजा मारे जाएंगे। यानी विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी वो व्यक्ति समाजा, इस राज समाज से वो व्यक्ति अलग हो जाए जिसने ये धनुष तोड़ा है, यानी उसके लिए वो कह रहे हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो इस राज समाज से अलग हो जाए, न ते मारे जेहे ही सब राजा, नहीं तो ये सारे ही राजा मारे जाएंगे। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि वो राजा यानी वो व्यक्ति अलग हो जाए जिसने शिव धनुष तोड़ा है, नहीं तो ये सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि यानी मुनि के, मुनि कौन, विश्वामित्र के वचन यानी ये बोलने वाले वचन, लखन मुस्काने जब मुनि परशुराम के मुख से ये वचन सुनते हैं लक्ष्मण, तो वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले पर सुधरही अवमाने, जब मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, तो परशुराम का तो वो क्या करते हैं, बोले पर सुधरही अवमाने, तो वो परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, यानी जब वो वचन बोलते हैं तो उनसे परशुराम जी का अपमान होता है, तो वो उनको अपमानित करते हुए वचन बोलते हैं, बहु धनु ही लोरी लरिकाई, यानी वो उनको बोलते हैं कि हे स्वामी, बहु बहु यानी बहुत सारे, धनु ही मतलब छोटे छोटे धनु यानी ऐसे धनुष, तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, लरिकाई का मतलब लड़कपन में, बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं, बचपन में हमने ऐसे धनुष बहुत धनुष तोड़े हैं, कबहु ने असी ऋषि की नहीं घुसाई, लेकिन आज तक तो किसी ऋषि ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यानी वो कह रहे हैं सुनी गुनी बचन लखन मुस्कुराने, जब परशुराम जी ये वचन बोलते हैं तो लक्ष्मण उनको देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उनका अपमान करने वाले शब्दों से बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, हमने बहुत सारे धनुषों को बचपन में लड़कपन में तोड़ा है, कबहु न असी कभी भी ऐसी रीस यानी क्रोध किन्हीं घुसाई, किसी ऋषि या किसी मुनि ने ऐसा क्रोध नहीं किया, यही धनु पर ममता के ही केतु, वो कहते हैं कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता यानी आपको इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है, इतनी इस पर ममता क्यों है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनु पर आपकी इतनी, इस धनुष पर आपकी इतनी किस कारण ममता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई ऐसे वचन सुनकर भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश की ध्वजा, भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, भृगुकुल के ही थे ये परशुराम जी, तो भृगुकुल के श्रेष्ठ को क्रोध आ जाता है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसे वचन सुनकर वो भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष को क्रोध आ जाता है। वो क्या कहते हैं फिर, हे नृप बालक काल बस बोलत तू तो ही न संभार, हे बालक, हे बालक नृप बालक, नृप यानी राजा के पुत्र, हे राज बालक कालवश, काल के वश होने के कारण
बोल है तुम्हें, यानी काल के वश के कारण तुम समझकर नहीं बोल पा रहे हो। हे नृप बालक काल वश, हे राजा के पुत्र, हे राज बालक, तुम काल के वश के कारण बोलत तो ही न संभाल, तुम अपने वचनों को समझ तो ही न संभाल, तुम अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम यानी तुम जब ये वचन बोल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर काल का वश चल रहा है, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। यह धनुष यानी इसके लिए कह रहा है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, यानी ये सारा संसार जानता है कि ये धनुष किसका धनुष था, शिव धनुष था, और तुम इस धनुष को धनु ही यानी तुम इस धनुष को और धनुषों के समान समझ रहे हो, यानी और धनुषों से इसकी तुलना कर रहे हो। समझ में आ गया क्या? यह शिव धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई धनु ही नहीं था, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम उन धनुओं के समान इस त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष को समझ रहे हो। विदित सकल संसारा, ये तो सारा संसार जानता है कि ये धनुष शिव धनुष था, ये कोई सामान्य धनुष नहीं था। आगे समझ में आपको नहीं आया क्या? एक बार रिपीट करके बताऊं, देखो एक साथ समझा देती हूँ। नाथ शंभुधन भंज निहारा हुए के हुए एक दास तुम्हारा, जब लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जब परशुराम जी वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं, जब राम से कहते हैं कि परशुराम से वो कहते हैं कि शिव को धनुष को तोड़ने वाला नाथ शंभुधनु, इस शंभुधनु के शंभु के यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है, हुए के हुए एक दास तुम्हारा, वो तो कोई आप ही का एक दास हो सकता है। आयशु कहा कहिए किन मोरी, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए आपकी क्या आयशु यानी आज्ञा, कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी निसाई बोले मुनि कोई, इन बातों को सुनकर जो ऋषि है कौन, विश्व परशुराम, सुनी निसाई बोले मुनि कोई, ये उनके वचनों को सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करे, अरि करनी ऐसा कर करिए लड़ाई, ऐसा शत्रुता, अरि यानी शत्रु, शत्रुता पूर्ण कार्य कर यह तो उसने शत्रुता का यानी युद्ध का कार्य किया है। सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा, वो कहते हैं सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वो अलग हो जाए बिहाई समाजा इस राज समाज से, न तो मारे जे ही राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और वो इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो ये सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, जब मुनि के ये वचन लखन सुनते हैं, लखन यानी लक्ष्मण सुनते हैं, बोले पर सुधरे अवमाने, तो वो परशुराम के अपमानित स्वरों के साथ बोलते हैं। बहु धनुई तोरी लड़िकाई, बहु धनुई वो कहते हैं बहुत सारे धनुषों को तोरी लड़िकाई हमने लड़कपन में तोड़ा है, तोरी यानी तोड़ा है, लड़िकाई यानी लड़कपन में। न असी रीस की न गुसाई, लेकिन ऐसी रीस यानी ऐसा क्रोध तो किसी ने भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही है, तो वो कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल रेतु, जब उनके ये वचन सुनते हैं तो भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सुनी रिसाई, भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम को क्रोध आ जाता है, रिसाई यानी वो क्रोध करने लग जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अधिक, और वो क्या बोलते हैं, रे नृपालक, हे राज बालक, कालवश तुम काल के वश में होकर बोलत तो ही न संभाल, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ नहीं है, यानी तुम काल के वश में हो इसलिए तुम्हें ये समझ नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनुओं के सम इस त्रिपुरारी के धनु को विदित सकल संसारा, यानी तुम उन और धनुओं के समान इस त्रिपुरारी के धनुष को समझ रहे हो जिसे सारा संसार जानता है कि ये शिव धनुष है, और तुमने इस उन और सामान्य धनुओं के समान इसकी तुलना की है, यानी तुम काल के वश में हो, तुम्हें समझ भी नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, तो आप इसको इतने को पढ़ो, आगे के हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि आज आपको इतना ही समझ में आएगा, आप एक बार इसको पढ़ के देखिए।